कैंडिड अमन कहानियों का रंगमंच। पिछले भाग में आपने सुना अश्मायु को ब्रेसलेट वाले सुराग से एक क्लियर डायरेक्शन मिल गया था। उसने स्क्रीनशॉट लेकर बिना देरी करे सैम और इन्वेस्टिगेशन टीम को फॉरवर्ड कर दिया। पहले जहां वो कंफ्यूज्ड लग रहा था, अब उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस और माइंड में सिर्फ एक ही टारगेट था, इस केस के असली कल्प्रिट को ढूंढना। सैम को कॉल करने पर अश्मायु की आवाज में घबराहट नहीं बल्कि सॉलिड डिटर्मिनेशन था, जैसे सब कुछ अब कंट्रोल में आ चुका है। उसने सैम से रिक्वेस्ट की कि वो इस यूनिक ब्रेसलेट का सोर्स पता लगाए, क्योंकि अगर उसका सोर्स मिल जाता है तो वो उस मिस्ट्री लेडी तक जरूर पहुंच सकते हैं। सैम ने तुरंत एग्री किया और अश्मायु ने थैंक्स कहते हुए कॉल डिसकनेक्ट कर दिया। इसके बाद उसने इन्वेस्टिगेशन टीम से कॉन्टैक्ट किया और क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए। ब्रेसलेट का ओरिजिन ट्रेस करो, लेडी की आइडेंटिटी पता लगाओ, और हॉस्पिटल के अलावा अगर कोई और भी कैमरा है तो उसका भी पता लगाओ। टीम ने फौरन काम शुरू कर दिया। रूम में एक टेंशन भरा सन्नाटा छा गया था। बाहर सुबह की नेचुरल रोशनी फैल रही थी, मगर अंदर संचिता अभी भी अंदर से टूटी हुई थी। अश्मायु उसके पास आया, उसे समझाया कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है और वो अब साथ मिलकर इस सिचुएशन को संभाल लेंगे। उसकी केयर और सपोर्ट ने संचिता को थोड़ी उम्मीद दी और वो उसी उम्मीद की रोशनी के आगे बढ़ने को तैयार थी। अब आगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा ये नया चैनल यानी कि कहानियों का स्मगलर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लो मेरी कैंडिड अमन फैमिली। मैं आपको बता दूं, जो कहानियों का स्मगलर हमारा नया चैनल है उस पर ऑलरेडी एक कहानी चल रही है जिसका नाम है डेडली ऑब्सेशन, जिसके 70 से ज्यादा एपिसोड्स हम लोग अपलोड कर चुके हैं। मतलब 70 एपिसोड्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर सुनने को मिलेंगे। तो आप जा सकते हैं, कहानियों के स्मगलर को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें बहुत सारा प्यार वहां पर भी दे सकते हैं। इससे अलग कहानियों के स्मगलर पर अगले 2-3 दिन के अंदर हम एक बहुत ही ज़बरदस्त हॉरर कहानी डालने वाले हैं। एक ऐसी भयानक कहानी तीन दोस्तों की जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि क्या लाइफ में एडवेंचर या एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए, कहीं वो मौत के करीब तो नहीं ले जाएगा। कहानी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही डरावनी होने वाली है, तो अभी कहानियों के स्मगलर को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। चलो इस कहानी में आगे बढ़ते हैं, यानी कि हेल ऑफ इज लव के आज के 52वें और आखिरी एपिसोड। यस, आज हेल ऑफ इज लव खत्म हो रहा है, उसका आखिरी एपिसोड है। सुनते हैं क्या कहानी के अंत में होता है। अभी कुछ घंटे पहले तक अश्मायु और संचिता उस बीच पर थे जहां समुंदर की लहरें उनके पैरों को छूती हुई, जैसे उनकी धड़कन और दर्द दूर करना चाह रही थी। उस वक्त की धूप हल्की थी, हवा बालों को गुदगुदाती हुई गुजर रही थी और नीले आसमान के नीचे उन्हें लगा कि दुनिया में अगर सुकून है तो शायद इसी पल में है। वे दोनों उस पल में थे जहां किसी प्लान की जरूरत नहीं, किसी सवाल का जवाब ढूंढना नहीं, बस एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस करना था। वहां बीच पर जब संचिता ने अपना चेहरा अश्मायु के सीने में छिपाया था, उसे लगा मानो ये दुनिया का सबसे सेफ प्लेस है जहां कोई दर्द उसे छू भी नहीं सकता। लेकिन अब शाम का वक्त हो चुका था, सूरज ढलने को था, आसमान में ऑरेंज और पिंक शेड्स के खूबसूरत स्ट्रोक्स उभर आए थे। विला के अंदर एक लॉज एकदम शांत था। लॉन्ग ग्लास विंडोज से बाहर की धुंधली रोशनी अंदर आ रही थी, फर्नीचर पर सॉफ्ट लाइट पड़ रही थी। अश्मायु और संचिता इस वक्त विला के लॉन्च में थे। कुछ देर पहले जब वो बीच से वापस आए थे तब भी उनकी आंखों में उस बीच का सुकून था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता और उन्हें इन्वेस्टिगेशन टीम या सैम के कॉल का इंतजार लंबा होता महसूस हो रहा था, वो सुकून धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। उस बीच पर अश्मायु ने कहा था, एक बार तुम्हारी बहन के मुजरिम का पता चल जाए उसके बाद हम यहाँ से US चले जाएंगे दादू के पास। तब संचिता ने हाँ में सिर हिलाते हुए अश्मायु के साथ अपने पूरे फ्यूचर की एक छोटी सी झलक देखी थी, एक ऐसी झलक जहां वो सब कुछ पीछे छोड़कर आगे बढ़ पाएगी। उस पल जब वो अश्मायु के आगोश में थी, उसे लगा कि उसके आसपास एक ऐसा सुरक्षा घेरा बन चुका है जो उसे कभी भी पेनफुल रियलिटी को फेस करने नहीं देगा। अश्मायु वहीं था उसके पास उसके लिए। उसने देखा कि संचिता सोफे के सिरहाने से सर टिकाए थोड़ी उदास और हारी हुई सी लग रही थी। पिछले कुछ घंटों में जो उम्मीदें बंधी वो एक एक करके टूटती जा रही थी। हर बार एक कॉल, एक मैसेज, उनको लगता कि शायद अब कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, पर फिर मायूसी हाथ लगती। अश्मायु समझ सकता था कि ये स्ट्रेस संचिता को कितना हर्ट कर रहा होगा। जब आप किसी अपने को खोते हैं और आपको पता चलता है कि वो नेचुरल डेथ नहीं थी बल्कि किसी ने उन्हें नुकसान पहुंचाया था, तो उस शक और गुस्से को सहन करना असहनीय हो जाता है। शाम ढलते ढलते दोनों बार बार अश्मायु के फ़ोन को चेक कर रहे थे। अश्मायु ने कई बार सोचा कि वो खुद दोबारा सैम को कॉल कर ले या इन्वेस्टिगेशन टीम से पूछ ले,
लेकिन फिर उसे लगा कि बेवजह प्रेशर बनाना सही नहीं होगा। उसने शांति से बैठकर इंतजार करना सही सुना। उसने शांति से बैठकर इंतजार करना ही चुना, या कम से कम उसने अपने बॉडी लैंग्वेज से यही दिखाने की कोशिश की। संचिता कभी अपने हाथों को आपस में रगड़ती, कभी अपने पैरों को हल्का हल्का मूव करती, कभी सोफे के आर्मरेस्ट को थाम लेती। ये सब उसके भीतर की टेंशन को रिफ्लेक्ट कर रहा था। लॉन्च के ग्लास विंडो से छन कर आती केसरी रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी, क्योंकि बाहर सूरज अब लगभग डूब चुका था। अब अचानक से अश्मायु का फोन बज उठा। रिंगटोन की आवाज ने उस शांति को चीर दिया। संचिता फौरन अलर्ट हो गई। उसकी आंखों में एक सेकंड के लिए उम्मीद की चमक थी। वो चाहती थी कि इस बार कुछ पॉजिटिव न्यूज जरूर मिले, किसी तरह क्लू या कोई हिंट। अश्मायु ने बिना देर किए अपना फोन उठाया। हेलो सैम, क्या हुआ है, कुछ पता चला? उसकी आवाज में एक अजीब सी हड़बड़ाहट थी, पर साथ ही उम्मीद भी। सैम की ओर से जो जवाब आया वो उनके लिए निराशाजनक था। सैम ने कहा कि उसने यहाँ सभी डिजाइनर ज्वेलर्स से पता किया है, लेकिन ये डिजाइन किसी भी ज्वेलर ने नहीं बनाया। ये सुनते ही अश्मायु का चेहरा उतर गया। उसने तुरंत संचिता की ओर देखा और सर ना में हिला दिया, जैसे बिना बोले ही बता दिया हो कि अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। संचिता की आंखों में से जैसे एक पल में वो उम्मीद का छोटा सा स्पार्क गायब हो गया था। उसके चेहरे पर हल्की सी उदासी फैल गई। सैम ने फोन पर कहा, डोंट वरी अश, मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ। मैंने ऑनलाइन भी इस डिजाइन के बारे में पता करने की कोशिश की है। जैसे ही कोई जवाब मिलेगा मैं तुझे तुरंत बताऊंगा। अश्मायु ने बस ओके कहा और फोन कट कर दिया। अब विला के लॉन्च में फिर से वही सन्नाटा था, वही इंतजार। फर्क बस इतना था कि उम्मीद का लेवल थोड़ा और नीचे गिर गया था। अश्मायु ने फोन साइड में रखा और संचिता की ओर देखा। वो जानता था कि उसे इस वक्त कुछ तो कहना होगा, कुछ ऐसा जो उसकी उदासी को कम कर सके, लेकिन क्या कहे। इसी सोच में अश्मायु था कि तभी अश्मायु के फोन पर रिंग बजी। इस बार स्क्रीन पर इन्वेस्टिगेशन टीम के हेड रोहन का नाम फ्लैश हो रहा था। अश्मायु ने फौरन कॉल पिक की। संचिता भी तुरंत चौकन्नी हो गई। उसकी नजरें अश्मायु के चेहरे पर टिक गई। वो उस एक कॉल में एक आस और एक उम्मीद देख रही थी। अश्मायु ने सीधे सवाल किया, हाँ बोलो। उसकी आवाज में अब ईगरनेस था। उधर से इन्वेस्टिगेशन टीम के हेड रोहन की आवाज आई, शांत लेकिन गंभीर। अश, हमें वो डिजाइनर मिल चुका है। मुंबई में एक छोटा सा स्टूडियो है उसका, बहुत लिमिटेड क्लाइंट्स हैं उसके पास। शुरू में वो इनकार कर रहा था कि उसने ब्रेसलेट नहीं बनाया, पर थोड़े प्रेशर पर मान गया। ये एक यूनिक पीस था, कस्टम ऑर्डर पर तैयार किया गया था। अश्मायु ने एक सेकंड के लिए आंखें बंद की, जैसे ये गुड न्यूज को एब्जॉर्ब कर रहा हो। सामने बैठी संचिता की उंगलियां सोफे के कॉर्नर को कस कर पकड़े हुए थी। फिर किसने बनवाया था ये यूनिक पीस, अश्मायु ने सवाल पूछा। उधर से जवाब आया, उन्होंने एक नाम लिया है, कविता रंधावा। इस नाम के उछलते ही संचिता के कान जैसे खड़े हो गए। वो सीधे होकर बैठ गई और उसकी आंखों में डिसबिलीव था। कविता रंधावा, अश्मायु ने दोहराया। उसकी आवाज में कंफ्यूजन था। संचिता ने फौरन रिएक्ट किया, अश ये नाम मैं जानती हूँ, ये करण भाई की मॉम है। करण वही जो मेरी दी के कॉलेज टाइम के दोस्त थे और जिसने दी को प्यार किया था। उसका चेहरा सदमे और गुस्से से एकदम मिक्स हो गया। उसे याद आया कि कैसे अस्मिता दी अपनी कॉलेज लाइफ में करण को लेकर सीरियस थी, और तब कविता रंधावा नाम घर में कई बार आया था, और एक दो बार तो वो उनसे मिली भी थी। एक स्ट्रिक्ट लेकिन इन्फ्लुएंशियल लेडी, जिसे अस्मिता और करण के रिलेशनशिप कभी भी पसंद नहीं आए थे। अश्मायु ये सुनकर कुछ सेकेंड्स के लिए सुन हो गया। करण अस्मिता का पुराना प्यार, और अब उसकी मॉम इस केस में शामिल है। इसका मतलब ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, ये पर्सनल रिवेंज या कोई गहरी दुश्मनी थी। उधर इन्वेस्टिगेशन हेड रोहन अभी भी लाइन पर थे। अश, मुझे लगता है कि हमें अब पुलिस को इन्वॉल्व कर लेना चाहिए। अगर कविता रंधावा इस सब के पीछे है तो ये मामला पर्सनल और प्लान्ड मर्डर का लगता है। अश्मायु ने एक लंबी सांस ली। तुम सही कह रहे हो, अब और देरी नहीं, पुलिस को इन्वॉल्व करो और मिसेस कविता रंधावा को अरेस्ट करने की तैयारी करो। मैं कुछ घंटे में वापस मुंबई पहुंच रहा हूं। ओके बॉस, टीम हेड रोहन ने हामी भरी और फोन कट गया। कॉल डिस्कनेक्ट होते ही लॉन्च में एक भारी सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन यह सन्नाटा पिछले सन्नाटे से अलग था। इसमें अब डर या बेचैनी नहीं थी, बल्कि एक क्लियर टारगेट था, अस्मिता के मुजरिम को पकड़ना। अश्मायु ने फौरन फोन को धीरे से टेबल पर रखा और संचिता की ओर देखा। उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम लिया उसने। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन थी। चलो अभी हम वापस जा रहे हैं, उसने सॉफ्ट लेकिन फर्म टोन में कहा। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आंखों के सामने उस औरत को जेल की सलाखों के पीछे जाते देखो।
तुम्हारे दिल का सुकून मेरे लिए बहुत जरूरी है। संचिता की आंखों में आंसू आ गए, पर इस बार दर्द के नहीं, ये आंसू एक तरह की राहत और जस्टिस की उम्मीद के थे। उसे लगा जैसे उसकी डगमगाती दुनिया को अब एक ठोस आधार मिल गया है। इस वक्त उसे अस्मिता की याद आ गई, उसकी दी जो इतनी मासूम इतनी प्यारी थी और जिसे इस तरह ख़त्म कर दिया गया। शायद कविता रंधावा ने कोई ऐसा रीज़न देखा होगा, कोई ऐसा पर्सनल मोटिव, लेकिन अब सारे सवाल बाद में थे, पहले उसे उसका डिजर्व्ड पनिशमेंट मिलेगा। संचिता ने हाँ में सिर हिलाया। मैं रेडी हूँ अश, चलो अब और इंतज़ार नहीं करना मुझे। अश्मायु ने अपने हाथ उसके गाल पर फेरे, उसकी आंखों में गहरा सुकून था। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए ये बहुत मुश्किल है, पर अब हम आखिरकार उस मंजिल के करीब हैं जिससे तुम्हें सुकून मिलेगा, उसने सॉफ्टली कहा। कुछ घंटों के बाद मिसेस कविता रंधावा के घर की डोरबेल बजी तो सर्वेंट ने डोर खोला। पुलिस की यूनिफॉर्म, अश्मायु की इन्वेस्टिगेशन टीम और उनके पीछे खड़े अश्मायु और संचिता को देखकर उसकी आंखों में घबराहट साफ थी। सर्वेंट ने बिना कुछ पूछे हटते हुए घर के अंदर जाने का रास्ता दिया। इंस्पेक्टर ने दमदार आवाज में सवाल दागा, कहाँ है मिसेस कविता रंधावा? सर्वेंट ने ऊपर की तरफ इशारा कर दिया जैसे डर के मारे उसकी आवाज ही गुम हो गई। इंस्पेक्टर ने फर्म टोन में कहा, उन्हें बुलाओ, बोलो उनके खास मेहमान आए हैं। सर्वेंट स्टेयर्स की तरफ दौड़ पड़ी, लेकिन उससे पहले ही मिसेस कविता रंधावा अपने हॉल की सीढ़ियों से उतरती हुई नजर आई। मिसेस रंधावा एक एलिगेंट लेडी थी, लेकिन इस वक्त उनकी एलिगेंस पर शॉक की परत चढ़ी हुई थी। उन्होंने नीचे आते हुए पुलिस को देखा और हैरानी से पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इंस्पेक्टर ने बिना समय गवाए सीधा अनाउंस कर दिया, मिसेस कविता रंधावा, आपको मिस अस्मिता सचदेवा की मौत के जुर्म में अरेस्ट किया जाता है। ये सुनते ही कविता रंधावा के चेहरे पर कंप्लीट शॉक था, जैसे किसी ने अचानक बर्फ के पानी में उन्हें धकेल दिया हो। क्या बकवास है ये, किस बेसिस पर आप मुझे इस तरह से अरेस्ट कर रहे हैं? उनकी आवाज एकदम डिफेंसिव हो गई, लेकिन अब उस कॉन्फिडेंस में एक क्रैक था। इस पर पीछे से अश्मायु की आवाज आई, उसकी टोन सधी हुई थी और सख्त थी। आपने जो सबूत पीछे छोड़े हैं वही आपके गले का फंदा बन गया है मिसेस रंधावा। अश्मायु सामने आया और उसके साथ संचिता थी, जिसका हाथ उसने कसकर थामा हुआ था। संचिता की आंखों में नफरत और दर्द का मेल था जब कविता रंधावा ने प्रोटेस्ट करते हुए सवाल किया, कौन से सबूत, ये सब क्या ड्रामा है? तब अश्मायु ने सबूत दिखाया, वो ब्रेसलेट जो इस केस का पॉइंट था। कविता रंधावा ने उस ब्रेसलेट को देखते ही माथे पर हाथ मारा और उनके मुंह से एक नाम निकला, सारा। पुलिस इंस्पेक्टर ने तुरंत रिएक्ट किया, अब ये सारा कौन है? कविता रंधावा ने कुछ सेकंड्स के लिए सोचा, शायद उन्हें खुद यकीन नहीं हो रहा था कि सारा का नाम इस सिचुएशन में आएगा। उन्होंने धीरे से जवाब दिया, सारा, सारा वो लड़की है जिससे मेरे बेटे करण की इंगेजमेंट हुई थी, मेरी दोस्त की बेटी। करण और सारा की इंगेजमेंट पर मैंने ही उसे ये ब्रेसलेट पहनाया था। ये सुनते ही वहां मौजूद सब लोग बुरी तरह से चौंक गए। अश्मायु, संचिता, पुलिस इंस्पेक्टर, इन्वेस्टिगेशन टीम, ऑल वर्स ट्यून्ड। ये नया नाम केस में एक अलग मोड़ लेकर आता है। अब सारा के नाम का यूं सामने आना जैसे किसी ने पुराने एल्बम के पन्ने फटाफट पलट दिए हों। पुलिस इंस्पेक्टर ने फर्मली पूछा, आपके पास क्या प्रूफ है कि ये ब्रेसलेट आपने सारा को दिया था? इस पर कविता रंधावा ने अपनी सर्वेंट को आवाज लगाई, ऊपर रूम से मेरा लैपटॉप लेकर आओ। इतना कहते हुए उन्होंने इंस्पेक्टर से कहा, मेरे लैपटॉप में एंगेजमेंट सेरेमनी की सारी डिटेल्स एल्बम है, उससे सब कुछ साफ हो जाएगा। सर्वेंट फौरन ऊपर गई। इस दौरान मिसेस रंधावा खुद भी शॉक में थी, मैं इस बात पर बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि सारा ऐसा कुछ कर सकती है। इस बीच अश्मायु और संचिता दोनों सिचुएशन को एब्जॉर्ब कर रहे थे। कुछ देर पहले तक उन्हें लगा था कि कविता रंधावा ही मास्टरमाइंड होंगी, पर अभी एक नया मोड, सारा। अभी कुछ देर पहले तक हर चीज इतनी बड़ी मिस्ट्री मोड में थी कि किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अस्मिता की मौत के पीछे का कारण कौन है, लेकिन अब सब कुछ साफ था। उस डिटेल, उस डिजिटल एल्बम ने मिसेस रंधावा को क्लीन चिट दे दी थी और सारा को सीधे सीधे इस गेम का मास्टरमाइंड बना दिया था। एल्बम में साफ दिखाई दे रहा था कि एंगेजमेंट सेरेमनी में मिसेस रंधावा अपना ब्रेसलेट अपनी कलाई से निकालकर सारा को पहना रही थी और वो सेरेमनी अस्मिता की मौत से पहले हुई थी। यानी सारा के पास वो यूनिक ब्रेसलेट था जिसे पहनकर वो अस्मिता के हॉस्पिटल रूम में गई थी और यहीं सबूत उसके खिलाफ चला गया। इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल से कहा, ये फुटेज और डिटेल एल्बम कब्जे में ले लो और एक्सपर्ट एनालिसिस के लिए फॉरवर्ड कर दो, हम ये प्रूफ कड़ी बनाकर कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे।
कांस्टेबल ने फौरन हामी भरी और लैपटॉप लेकर चल पड़ा। इसके बाद इंस्पेक्टर ने मिसेस रंधावा से सारा के घर का एड्रेस लिया। हमें सारा को तुरंत अपनी कस्टडी में लेना होगा, उन्होंने कहा, और मिसेस रंधावा ने भी कॉपरेट किया। इस पूरी सिचुएशन में मिसेस रंधावा अब भी शॉक थी कि आखिर उनकी होने वाली बहू ने ऐसा क्यों किया। वहीं दूसरी ओर कविता जी की नजर संचिता पर गई। उन्होंने कुछ पलों तक संचिता को देखा, फिर धीमे कदमों से उसके पास आई। तुम अस्मिता की बहन हो ना, कविता जी ने सॉफ्ट टोन में पूछा। अश्मायु ने फर्म आवाज में कहा, हाँ ये अस्मिता की बहन है, और अपने हाथ के हल्के प्रेशर से संचिता को इंडिकेट किया कि वो इस सब से डिस्टर्ब ना हो। कविता जी ने संचिता की ओर देखते हुए कहा, देखो बेटा, मैं मानती हूँ कि अस्मिता की शादी अपने बेटे करण से मैं नहीं चाहती थी, पर उस रिलेशन को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी, पर मेरी इनसिक्योरिटीज का मतलब ये नहीं था कि मैं उसकी जान लेना चाहती थी। मैं ऐसा घिनौना काम कभी सोच भी नहीं सकती। मुझे पता है मुझे उससे नफरत थी, पर प्लीज़ यकीन करो बेटा, मैं इतनी क्रूल नहीं हूँ। संचिता ने कोई जवाब नहीं दिया, बस आंखों में दर्द था। तभी करण सीढ़ियां उतरता दिखा, जो शायद ये सारी बातें सुन रहा था। करण को देखते ही संचिता के चेहरे पर गुस्सा और बढ़ गया। अश्मायु ने महसूस किया कि इस माहौल में रहना संचिता के लिए सही नहीं होगा। वो जानता था कि हर सेकंड यहां बिताना उसके दर्द को बढ़ा रहा है। चलो संचिता, उसने नर्म टोन में कहा, यहां रुकना ठीक नहीं है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। पुलिस और इन्वेस्टिगेशन टीम को भी अब नया टारगेट मिल चुका था, सारा, इसलिए सब लोग जल्दी से जल्दी वहां से निकलना चाहते थे। कुछ घंटों के बाद पुलिस सारा के घर पहुंच चुकी थी। इन्वेस्टिगेशन टीम और अश्मायु भी साथ था। सारा को बिना ज्यादा ड्रामा के अरेस्ट कर लिया गया। वो डिनाई कर रही थी, चिल्ला रही थी, पर उनके पास बोलने को कोई लॉजिकल रीजन नहीं था। ब्रेसलेट की फुटेज और हॉस्पिटल की सीसीटीवी में मास्क पहने लेडी की हाइट, पर्सनल आइटम्स सब सारा से मैच कर रही थी। कुछ घंटों के बाद अश्मायु और संचिता घर पर थे। पुलिस ने खबर दी कि सारा को अरेस्ट कर लिया गया है और वो अब पुलिस कस्टडी में है। इस वक्त दोनों घर के लिविंग रूम में बैठे थे। बाहर हल्की शाम हो रही थी। विंडो से आते डिम लाइट के साथ सॉफ्ट सी ब्रीज अंदर आ रही थी। माहौल में एक अजीब सी शांति, जैसे किसी टफ बैटल का एक राउंड खत्म हो गया हो, लेकिन एक वॉर अभी भी बाकी थी। संचिता का चेहरा थका हुआ था, पर आंखों में एक तेज था। उसने कुछ देर बाद अश्मायु की तरफ देखा, उसकी नजर कहीं खोई हुई थी। अश्मायु ने तुरंत रिएक्ट किया, क्या हुआ साजी, तुम ठीक तो हो? संचिता ने गहरी सांस ली और कहा, अश, मैं उस लड़की से मिलना चाहती हूँ जिसने मेरी दी को मारा है। मैं सारा से मिलना चाहती हूँ, फेस टू फेस। उसकी आवाज लो थी, लेकिन उसमें एक स्ट्रांग विल पावर था, जैसे वो किसी डर को ओवरकम करना चाहती हो। अश्मायु को यह सुनकर थोड़ा झटका लगा। वो समझ सकता था कि ये रिक्वेस्ट आसान नहीं है। सारा एक कातिल और संचिता एक विक्टिम फैमिली मेंबर है। ये कन्फ्रंटेशन इमोशनली टॉक्सिक हो सकता है, पर वो जानता था कि संचिता को क्लोजर की जरूरत है। इतने दिनों की उलझनों के बाद उसे अपनी बहन की मौत के पीछे का सच जानने का हक है। अश्मायु ने धीरे से कहा, सांची, तुम श्योर हो? ये एनकाउंटर तुम्हें डिस्टर्ब कर सकता है। सारा कोई सॉरी कहने नहीं बैठी है वहाँ। वो खुद डिफेंस में रहेगी और तुम्हारी फीलिंग्स को समझने की कोशिश शायद ना करे। संचिता ने दृढ़ता से सिर हिलाया, अश, मुझे पता है कि ये ईजी नहीं होगा, पर मैं नहीं चाहती कि मेरी यादों में अंधेरा रहे। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर क्यों, क्या किया था मेरी बहन ने जो उसने उन्हें मार डाला। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर क्या था ऐसा जो उसने मेरी दी की जान ले ली। क्या सिर्फ करण की एक्स रिलेशनशिप की जलन या कुछ और? मैं चाहती हूँ कि मैं खुद उसकी आंखों में देखूं और ये सवाल पूछूं। अश्मायु ने उसकी तरफ कुछ सेकंड्स देखा, फिर हाँ में सिर हिला दिया। ठीक है, हम पुलिस स्टेशन चलेंगे। मैं इंस्पेक्टर से परमिशन ले लूँगा और तुम उससे मिल लेना। लेकिन अगर तुम्हें लगे कि तुम ये हैंडल नहीं कर पा रही हो, तो तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर सकता वहाँ रुकने के लिए। सारा अब कन्फेशन रूम में थी। आंखों में ना तो डर था और ना ही किसी तरह का कोई पछतावा। टेबल के दूसरी तरफ बैठी फीमेल पुलिस ऑफिसर उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रही थी। एक छोटी सी टेबल लैम्प की वार्म रोशनी सारा के चेहरे पर थी। ऐसा दिख रहा था जैसे वो सच का बोझ लिए बैठी हो, पर उसकी बॉडी लैंग्वेज कन्विंस कर रही थी कि उसे अपने कदमों पर कोई रिग्रेट नहीं है। ग्लास की दूसरी तरफ संचिता, अश्मायु और पुलिस के टीम के सीनियर ऑफिशियल्स थे। वहाँ लाइट डिम थी और बस उन सबकी नज़रें कन्फेशन रूम में अंदर फोकस थी। ये पल किसी फिल्म के क्लाइमेक्स की तरह लग रहा था। सस्पेंस अब खुलकर सामने आना चाहता था। संचिता अपनी हाथों की उंगलियों को कसकर आपस में भींचे हुए खड़ी थी, जैसे किसी भी पल हिम्मत टूट सकती है उसकी। अश्मायु उसके पीछे खड़ा था, अपने
एक हाथ से उसके कंधे पर हल्के से सपोर्ट दे रहा था। पुलिस टीम अपने प्रोफेशनल मोड में थी, लेकिन उनकी भी आंखों में इंटरेस्ट था। इतने कॉम्प्लिकेटेड केस के पीछे का सच अब खुलने वाला था। फीमेल पुलिस ऑफिसर ने कड़क आवाज में कहा, सारा तुम्हें पता है ना तुम्हारे हर वर्ड को रिकॉर्ड किया जा रहा है। तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है सच्चाई बताने का। झूठ बोलोगी तो साबित होने पर तुम्हारी मुसीबत डबल हो जाएगी। सारा ने एक बार फिर से कंधे उचका कर कहा, जैसे उसे परवाह ना हो। उसके होंठों पर हल्की सी कुटिल स्माइल थी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूं, जो कहूंगी सच ही कहूंगी, पुलिस ऑफिसर ने कागजों को सेट करते हुए कहा। ठीक है तो शुरुआत करें। क्यों और कैसे तुमने अस्मिता को उस रात फंसाया? सारा ने गहरी सांस ली। उस रात मैंने करण के फोन से मैसेज करके अस्मिता को बुलाया था। करण को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। अस्मिता को लगा कि करण उसे मिलना चाहता है, पुरानी यादों को क्लियर करने के लिए या शायद ये डिसाइड करने के लिए कि आगे क्या होगा। उसे लगा कुछ घंटे ऑफिस से ब्रेक लेगी, करण से मिलेगी, बात करके सब क्लियर कर देगी। ग्लास के पीछे खड़ी संचिता के चेहरे पर दर्द की लहर दौड़ गई। अस्मिता कितनी मासूम थी, बस बात करने गई थी। अश्मायु को लगा अगर वो इस वक्त संचिता के आंसुओं को रोक नहीं पाता तो वो सबके सामने ही फूट पड़ती। उसने अपने दूसरे हाथ से उसकी उंगलियां हल्के से छू दी, एक इशारा किया कि मैं हूं यहां। सारा जारी थी, उसकी आवाज में कोई शर्म नहीं थी ना कोई सहानुभूति। वो आई मगर वहां करण नहीं था, वहां मैं थी। मुझे पता था कि अस्मिता कभी करण से दूर नहीं गई थी, कम से कम मेंटली तो नहीं। मुझे लगा वो कल को हमारे फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ये कहते हुए सारा की आंखों में पोजेसिवनेस चमक उठी, जैसे कोई टेरिटोरियल एनिमल अपनी प्रॉपर्टी का दावा कर रहा हो। ग्लास के पीछे संचिता ने अब खुद को और सख्त कर लिया। उसे समझ में आ रहा था कि ये सिर्फ इनसिक्योरिटी नहीं, लेकिन उसका एक अजीब डेस्परेशन था। अश्मायु ने गौर किया कि हर शब्द संचिता के दिल पर किसी तीर की तरह चुभ रहा था। सारा ने हल्की हंसी के साथ कहा, मैंने सोचा अस्मिता को रास्ते से हटाना होगा, पर मैं इतनी बेवकूफ नहीं थी कि सीधा उसे मार डालूं। मेरा प्लान था उसे कुछ दिनों तक किडनैप करके रखने का, इतना डराना कि वो अपने आप से दूर हो जाए। मैंने अपने कुछ आदमियों की हेल्प ली, उसने कंधे उचका कर बोला। उसका फोन डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि ऑफिस और फैमिली को लगे कि वो ऑफिस से गायब हो गई है, एक मिस्ट्री की तरह। जब तक मेरी शादी हो जाती मैंने सोचा उसे कैद रखूंगी, फिर बाद में उसे किसी दूर शहर में छोड़ देती जहां से वो चुपचाप अपनी लाइफ जी लेती। ग्लास के दूसरी तरफ संचिता का चेहरा सफेद पड़ गया। ये प्लान इतना क्रूर और कैलकुलेटेड कैसे हो सकता है? अश्मायु को लगा कि अब वो वहां खड़ी नहीं हो पा रही है। उसने संचिता की पीठ पर हाथ फेरा। साची बस थोड़ी देर और, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा। पुलिस ऑफिसर की आवाज रूम में गूंजी, और उस रात क्या हुआ जब अस्मिता भागने में कामयाब हुई? सारा के होंठ पर नाराजगी छलकी। वो चालाक थी, वो किसी तरह से निकल भागी, शायद उसे लोकेशन का अंदाजा भी नहीं था, बस भाग रही थी जान बचाने के लिए। वो मुझे लगा वो बच नहीं पाएगी, लेकिन किस्मत देखो वो सड़क तक पहुंची और एक स्पीड से आ रही कार के सामने आ गई। मुझे लगा देर सवेरे तो वो हॉस्पिटल में ठीक हो ही जाएगी, फिर मेरी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। इतना कहकर सारा ने ठंडी सांस ली। अफसोस, उसके बाद उसकी सुबह कभी नहीं हुई। वो बोलते हुए ना तो दुखी लगी और ना ही रिग्रेटफुल, बस एक अजीब सा दम था उसके चेहरे पर। ग्लास के पीछे संचिता के लिए ये मोमेंट ब्रेकिंग पॉइंट था। उसे लगा किसी ने उसके सीने में हाथ डालकर दिल मरोड़ दिया हो। अश्मायु ने तुरंत सिचुएशन भांप ली। वो जानता था कि ये सब सुनना संचिता के लिए टॉर्चर है। पुलिस टीम भी नोटिस कर रही थी कि ये स्टेटमेंट कितना क्रूर है। इंस्पेक्टर जो पीछे खड़ा था उसने अश्मायु को इशारे से कहा कि वो संचिता को ले जाए। अश्मायु ने तुरंत हामी भरी। उसने अपने हाथों से संचिता के आंसू पोंछे और उसकी बाजू को सपोर्ट देते हुए वो बाहर ले गया। बाहर कॉरिडोर में आते ही संचिता ने रोना शुरू कर दिया। सुबक सुबक कर वो रो रही थी। अश्मायु ने किसी बच्चे की तरह उसे अपने सीने से लगा लिया। सांची मैं समझता हूँ ये सब सुनना कितना हार्श है। उसकी आवाज में इतनी सॉफ्टनेस थी जैसे कोई रेशमी कपड़ा दिल के घाव पर रख रहा हो। संचिता ने भीगे हुए चेहरे के साथ कहा, अश मेरी दी वो बस बात करने गई थी, उन्हें लगा कि ये सिर्फ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन है, बट ये वो प्लान का शिकार हो गई। अश्मायु ने उसके बालों पर हाथ फेरा। मुझे पता है ये बहुत अनफेयर है, मगर कम से कम हम
जानते तो हैं कि क्या हुआ था और किसने किया था। सारा जेल जाएगी और उसे सजा मिलेगी। हॉलवे में हल्की लाइट थी और पुलिस स्टेशन का माहौल अब भी ओवरनाइट वार्मिंग मोड में था। अश्मायु ने संचिता को थोड़ा पीछे किया, उसकी आंखों में देखा। हमें बाहर निकलना चाहिए, इस माहौल में और रुकना तुम पर भारी पड़ेगा। संचिता ने सिर हिलाया। हाँ, मैं अब यहाँ से दूर जाना चाहती हूँ। बाहर निकलते वक्त अश्वायु ने देखा कि इंस्पेक्टर और टीम सब बिजी थे। वो उन्हें नज़र से सिग्नल कर गया कि वो संचिता को घर लेकर जा रहा है। इंस्पेक्टर ने सिर हिलाकर ओके किया। पुलिस स्टेशन के बाद रात गहरी थी, ठंडी हवा चल रही थी। अश्वायु ने कार का डोर खोला, संचिता अंदर बैठी, फिर वो ड्राइवर सीट पर बैठा। इंजन स्टार्ट करते हुए वो एक सेकेंड उसके चेहरे को देखता रहा। आंसू सूख रहे थे पर आंखें लाल थी और चेहरा उदासी से भरा हुआ था। अश्मायु ने नरम स्वर में कहा, मैं तुम्हें कहीं ड्राइव पर ले चलूं, शायद थोड़ी ठंडी हवा लगने से तुम्हारा दिल का बोझ हल्का हो जाए। संचिता ने कमजोर सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ अश, कहीं भी ले जाओ, बस यहाँ से दूर ले जाओ, यहाँ जहाँ सारी यादें ना हो, सब फीका पड़ जाए। कार मेट्रोपॉलिटन सड़कों पर दौड़ने लगी, स्ट्रीट लाइट्स इक्का दुक्का, लोग। कुछ देर बाद थोड़ी सी खुली जगह, अश्मायु ने शहर के आउटर रिंग रोड की तरफ गाड़ी मोड़ दी, जहां रात को कम ट्रैफिक होता है। अब कुछ वक्त के बाद यूएस में दादाजी के पास अब अश्मायु और संचिता एक नई जिंदगी जी रहे हैं, एक ऐसी जिंदगी जिसमें ना डर है ना कोई गलत फहमी। अश्मायु ने अपना वादा निभाया, अस्मिता के कातिल को सजा मिल गई। कभी घमंडी और सेल्फ सेंटर्ड रहने वाला अश्मायु अब डाउन टू अर्थ और केयरिंग बन गया था, और संचिता जिसने दर्द और ट्रेजेडी झेली थी अब खुद को हील कर पा रही थी। दोनों ने कभी नहीं सोचा था कि दादाजी का प्रेशर और मजबूरी उन्हें इस तरह प्यार के बंधन में बांधेगी, लेकिन अब देखो आज वो एक दूसरे की फीलिंग्स बिना बोले ही समझ जाते हैं। वो साथ वॉक करते हैं, कॉफ़ी शेयर करते हैं, एक दूसरे में सपोर्ट ढूंढते हैं। ये प्यार कोई हल्का इमोशन नहीं बल्कि एक गहरी अंडरस्टैंडिंग है जिसने अश्मायु और संचिता दोनों को बदल दिया। यही कहानी का एंड है, एक दर्दनाक सफर जो अंत में प्यार और समझदारी पर आकर ठहर गया। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कमेंट्स में जरूर बताइए कि अश्मायु और संचिता के किरदारों में आपको क्या अच्छा लगा। हम जल्द ही एक नया शो लेकर भी आएंगे जहां लेवल थोड़ा और हाई होने वाला है। सो स्टे ट्यून, लॉट्स ऑफ लव। रिमेंबर, लाइफ में मुश्किलें आएंगी पर अगर साथ सही होना तो हर स्ट्रगल एक स्मूथ जर्नी बन जाता है।